ये लोग पता क्या है, तैयारी करते नहीं है, लोग इन पहले कर देते हैं आईडी कि हमें ऑर्डर मिल जाए। इनको ये थोड़ा ना है कि राइडर का टाइम खराब हो रहा है, इनको बस ऐसा है कि हमें पैसा बनना चाहिए, भले ही राइडर आधा घंटा खड़ा रहे वहां पर। चीटिंग करता है तू। 3 किलोमीटर पिकअप, 7 किलोमीटर ड्रॉप, 48 लगभग 10 किलोमीटर के लोल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यार अभी आईडी ना मैंने अपनी बंद की हुई है, एक्चुअली बाइक में से एकदम से पिछले टायर से ना हवा निकल गई, मे बी पंचर वगैरह हो गया। बस हवा निकल गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना चैलेंज चल रहा है, मुझे कमाना है जोमेटो से 1 लाख रुपए, जिससे खोलना है मैंने खुद का क्लाउड किचन। पहले चैलेंज था 100 दिन में 1 लाख रुपए कमाना था, अभी चैलेंज है 90 दिन में 1 लाख रुपए कमाना है। 100 दिन की जगह मैंने 90 दिन कर दिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं घूमने फिरने गया हुआ था कश्मीर की वादियों में, उसके ब्लॉग मैंने अपने चैलेंज पर डाल रखे हैं, वो ब्लॉग आप लोग देख सकते हो। तो वो दिन मैं बीच में से कट कर रहा हूँ, 100 दिन की जगह 90 दिन कर रहा हूँ। तो चैलेंज थोड़ा और टफ तो किया है मैंने, आप लोगों को भी देखने में मजा आएगा, मेरे को भी करने में मजा आएगा। तो यार अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करते ना, जो जो कुछ कर सकते हैं। और आज के जो इंसेंटिव है वो मैं आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग के साथ साथ में बता दूंगा कि क्या इंसेंटिव लगे हैं। आज मैंने अपनी की सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, 11 से 12 ब्रेक, 12 से 6 बजे तक 6 से 7 ब्रेक, 7 से रात 10 बजे तक बुक करके रखी है। तो देखते हैं यार आज कितने का काम होता है, अपना टारगेट वगैरह पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग वाले पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख लेना। मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉगिंग मोड में। कैमरा वगैरह सेट ला एक बार चेक कर ले, क्योंकि काफी दिनों बाद मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सराबा नगर में आकर के आईडी वगैरह लॉगिन कर ली थी मैंने, अपने को पहला ऑर्डर मिल गया भाई साहब। 2.5 किलोमीटर का पिकअप है, 0.5 किलोमीटर का ड्रॉप है, न्यू स्पेशल जम्मू पूरी से उठाने जाना है 20 रुपी का। आज जोमेटो ने जो इंसेंटिव लगा रखे हैं ना भाई, वो कुछ अलग ही टाइप के हैं। जैसे रोज लगते हैं ना 1100 की अर्निंग पर, 1300 की अर्निंग पर हमें 525 रुपी एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो आज के इंसेंटिव है 27 ऑर्डर करने हैं सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक, तो जाकर के हमें आएंगे 525 रुपी एक्स्ट्रा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दिन का पहला ऑर्डर मिल गया, छोटा ऑर्डर मिला है, लेकिन मे बी ये रेस्टोरेंट टाइम लगा देगा, आधा घंटा लग जाएगा ऑर्डर को। आज तो भाई टारगेट है 27 ऑर्डर करने हैं, होने तो चाहिए, बाकी देखते हैं, पहले ये ऑर्डर उठाने चलते हैं। घुमार मंडी वाली रोड पर इधर है न्यू स्पेशल जम्मू पूरी, इनकी तो अभी तैयारी भी नहीं हुई यार, टाइम लगेगा इधर, मे बी देख लेते हैं एक बार। 7 मिनट लग रखे हैं, 1 प्लेट जम्मू पूरी है। अरे खुल जा भाई मेरे, देना तो नजदीक ही है यार। 7 मिनट वैसे लग रखे थे, 13 मिनट ऊपर से लेट कर दिया, 20 मिनट लग गए यहाँ पर ऑर्डर लेते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसको इधर रखते हैं, पिक ऑर्डर मारते हैं, रेटिंग देते हैं और निकलते हैं। 500 मीटर ही जाना है यार। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था भाई इधर अपने को लगने वाला है टाइम, क्योंकि एक बार पहले भी इनका ऑर्डर मेरे को सुबह सुबह पड़ गया था। ये लोग पता क्या है, तैयारी करते नहीं है, लोग इन पहले कर देते हैं आईडी कि हमें ऑर्डर मिल जाए। इनको ये थोड़ा ना है कि राइडर का टाइम खराब हो रहा है, इनको बस ऐसा है कि हमें पैसा बनना चाहिए, भले ही राइडर आधा घंटा खड़ा रहे वहां पर, राइडर के टाइम की कोई भी वैल्यू नहीं है रेस्टोरेंट्स वालों को। अच्छा तो भाई कस्टमर को कॉल कर दिए, कस्टमर कह रहे हैं कि आ रहे हैं, इधर से जब तक सामान निकाल लेते हैं। रिया भल्ला मैम, थैंक यू, पहला ऑर्डर डिलीवर किया दिन का। रेस्टोरेंट को मैंने 2 स्टार रेटिंग दी, कस्टमर को दी 5 स्टार, बिकॉज कस्टमर ऑन टाइम था। ओ यार अपुन जो घूम करके आए थे ना पहलगाम वगैरह, भाई वहाँ पर इतनी ठंड थी ना, मेरा शरीर कांप रहा था। जैसे ही हम वापस आए ना पठानकोट, वहाँ 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और उसके बाद एक दिन मैं बीमार हो गया था तो मैं काम पर नहीं आया, और आज अपन काम पर हैं, अब खींच करके काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यार अपना चैलेंज जो चल रहा था उसको मैंने पोस्टपोन किया था ना 1 वीक के लिए, क्योंकि यार वहाँ पर जाना भी अर्जेंट था। 3 किलोमीटर पिकअप, 7 किलोमीटर ड्रॉप, 48 लगभग 10 किलोमीटर के लोल। इधर है कहीं यार पम्मी दी हट्टी, मे बी ये टाइम नहीं लगाएगा क्योंकि इसके भीड़ रहती है, इसकी तैयारी पूरी रहती है सुबह सुबह। इधर लगाते हैं बाइक, चलते हैं ऑर्डर पिक करने।
14 मिनट भले ही लग रखे थे लेकिन अपना ऑर्डर जल्दी मिल गया। अरे यार इधर से ना गांठ ही बांध लेते हैं, पूरी ज़्यादा है, गिर ना जाए कहीं एक आधी बीच में से उछल करके। ये मेरे को मेरे जोन में ही जाना है यार, ऋषि नगर की तरफ जाना है, वहाँ से निकल जाएंगे सराबा नगर। सुबह सुबह तो ओल्डर लुधियाना में रश नहीं रहता यार, अगर यही मेरे को 12-1 बजे के करीब ऑर्डर पड़ता ना, अभी तक तो मैं रेस्टोरेंट पर पहुँचा ही नहीं होता, कहीं ना कहीं रश में अटका होता। और यार कोशिश करेंगे, 11 से 12 मेरी ब्रेक है ना, 11 बजे तक एटलीस्ट मेरे को 5 से लेकर 7 तक ऑर्डर निकालने हैं। कोशिश यही रहेगी अपनी, अगर एटलीस्ट 5 या 7 ऑर्डर निकल गए ना फिर तो भाई अपना काम हो जाएगा। बाकी आज एक दिक्कत और है है तो वैसे मज़े की बात, लेकिन मेरे लिए दिक्कत है, अपने इंसेंटिव के लिए दिक्कत है। आज मौसम ठंडा है, ऊपर सारा बादल लगा हुआ है, उस वजह से डिलीवरी बॉय बहुत ज़्यादा आएंगे। डिलीवरी बॉय ज़्यादा आएंगे तो काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा तो अपना इंसेंटिव पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। वैसे है तो कम ऑर्डरों पर भी इंसेंटिव, बट मेरी जो आँख रहती है ना हर बार बड़े वाले इंसेंटिव पर रहती है कि बड़ा वाला इंसेंटिव उठा के लेके जाएंगे। एक फील ही अलग होती है यार कि बड़ा वाला इंसेंटिव उठा लिया और अगले दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम दोबारा काम पर आते हैं कि आज भी बड़ा वाला उठा कर लेकर जाएंगे। चलो भाई आज का दूसरा ऑर्डर डिलीवर कर दिया, 636 कैश कलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ से खाली वापस जाना पड़ेगा, 51 रुपये मिले हैं 48 शो करके, नॉट बैड, सही है, कुछ तो 2-3 रुपये बढ़े। चल झूठा। तो यार अभी ना मैं कैमरा वैमरा बंद कर रहा हूँ, सीधा मिलेंगे 12 बजे, क्योंकि यार लास्ट कुछ दिनों से ना अपने व्लॉग बहुत बड़े होते जा रहे हैं, 19-20 मिनट का व्लॉग हो जा रहा है अपना, इतना लंबा व्लॉग यार। तो अपना कैमरा बंद करके अभी आप लोगों को 11 बजे अपनी अर्निंग बता के 12 बजे अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे मोटो व्लॉगिंग का। 1 hour later। तो यार 11 से 12 थी अपनी ब्रेक, 12 बजे एडी लॉगिन की थी, 12:25 पर अपने को ऑर्डर मिला। ये स्क्रमीज कैफे है जहाँ से उठाना है, 3.5 किलोमीटर दूर जाना है, 38 रुपये का ऑर्डर है। रेस्टोरेंट पर तो पहुँच गए, इधर से ऑर्डर पिक करना है। तो यार ऑर्डर तो मैंने पिक कर लिया, अभी तक की आप लोगों को अर्निंग बताऊं, मैं 3.5 घंटे में सिर्फ 4 ऑर्डर डिलीवर किए हैं, 228 की अर्निंग हुई है। आज जो इंसेंटिव है अपना अर्निंग के ऊपर नहीं है, आज ऑर्डर के ऊपर इंसेंटिव है अपना। इंसेंटिव भी दिखा दूं आप लोगों को, 16 ऑर्डर कंप्लीट करेंगे 225, 19 ऑर्डर पर 300, 22 ऑर्डर पर 375, 25 ऑर्डर पर 450, 27 ऑर्डर पर 525। तो अपनी आंख तो वैसे 27 ऑर्डर वाले इंसेंटिव पर है, बट लग नहीं रहा कि 27 ऑर्डर अपने कंप्लीट होंगे। काम है ही नहीं भाई, इधर देखो जोमेटो वाले बाइक कितने खड़े हैं, उधर बहुत दूर भी बाइक खड़े हैं सारे जोमेटो स्विगी वालों के। ये जाना है SBS नगर में जाना यार, क्या करें भाई, काम ही नहीं मिल रहा यार आज। 27 ऑर्डर मेरे को लग नहीं रहा के होंगे, 25 पर अटक जाएंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है, अगर 11 बजे तक करेंगे तब भी 25 पर अटक जाएंगे। बाकी देखते हैं क्या पता बैक टू बैक ऑर्डर मिले। एक्चुअली यार आप लोगों को पता है कि मैं घूमने चला गया था ना, तो लगभग 1 हफ्ते की छुट्टी लग गई, उस वजह से भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा काम पर, रेटिंग पर। वो फिर 4-5 दिन काम करके मेरे को ठीक करनी पड़ेगी, रेगुलर काम करना पड़ेगा, तब जा करके अपनी दोबारा से फ्लो बनेगी जोमेटो के अंदर। अनिंदिया नाम से, थैंक यू। आज का 5वां ऑर्डर डिलीवर कर दिया, 35 मिले हैं यार, चलो कोई बात नहीं, मतलब इन लोगों ने अब दोपहर का रेट भी कम कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने DMG लगा दी ना, अब इंसेंटिव बदल दिया, इनको लगता है कि रेट कम देंगे तब भी लोग आएंगे काम करने, बट अगर और कम कर दिया रेट फिर कोई भी नहीं आएगा भाई, क्योंकि दोपहर में गर्मी में ऐसी तैसी करवाना बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगला ऑर्डर भी आ ही गया यार, समोसा जंक्शन, 700 मीटर पिकअप, 1.7 किलोमीटर ड्रॉप। मैप लगा करके चलते हैं यहाँ से ऑर्डर उठाने। ऑर्डर तो भाई मिल गया, थोड़ा 5-7 मिनट वेट करना पड़ा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। इसको जाना है 1.7 किलोमीटर सराबा नगर। होटल का ऑर्डर था यार, मेरे को लगा रॉन्ग लोकेशन होगी, सही थी यार लोकेशन, डिलीवर कर दिया, 25 रुपये अंदर किए, गेट नेक्स्ट ऑर्डर कर देते हैं। यार अभी आईडी ना मैंने अपनी बंद की हुई है, एक्चुअली बाइक में से एकदम से पिछले टायर से ना हवा निकल गई, मे भी पंचर वगैरह हो गया, बस हवा निकल गई। लगभग मेरे पास 12 मिनट है
और मैं सराबा नगर में पहुंचने वाला हूँ, वहाँ एक पंचर वाला बैठता है, बस वो बैठा हो यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। लग तो रहा है कि भाई है वो। पंचर लगवाना पिछला टायर। फाइनली यार पंचर तो लग गया, पंचर अभी जुगाड़ू काम किया है। भाई के पास एक ही पंचर था, पंचर थे इसमें दो, एक काट करके लगाया है, एक का थोड़ा रिस्क है, वो बोल रहे हैं कि 6 बजे जब जहाँ आओगे तब लगा देंगे, दूसरा भी चेक कर लो एक बार। ये तो ठीक है ना, बस सही है सही है। तो यार आईडी बंद हो गई थी, अभी सराबा नगर में हूँ, यहाँ पर पहले इतने बंदे खड़े हैं, मतलब यहाँ पे काम ही नहीं है। अभी ऑर्डर मिलने को टाइम लगेगा ही लगेगा अपने को। 2 hours later तो 6 से 7 अपनी ब्रेक थी, 7 बजे आईडी लोगों की, 7:04 पर पहला ऑर्डर आ गया, आइसक्रीम स्टूडियो से उठाना है, 1.26 किलोमीटर जाना है। अरे 20 रुपये निकल रहे हैं जेब से, 20 रुपये का ऑर्डर ही है, ऐसे टाइम खराब होता है भाई। एक शेक का ऑर्डर था, इसको 20 मिनट लगा दिए बनाने में, सिर्फ शेक के ऑर्डर को। चलो यार इसको ना फुर्ती से जाना पड़ेगा, अब थोड़ा ना मेरे को डर निकाल करके फुर्ती में काम करना पड़ेगा, बिकॉज काम अपना गया अटक इस एक रेस्टोरेंट की वजह से। अभी तक तो मैं ऑर्डर डिलीवर करके अगला ऑर्डर पकड़ चुका होता, जितना टाइम इसने लगा दिया, क्योंकि सारा 1 किलोमीटर जाना है, 1.5 किलोमीटर ये लो, 1.5 किलोमीटर जाना है, सारा टाइम खराब कर दिया भाई, क्या बोलूँ यार। एटलीस्ट मेरे को 1 घंटे में 3 ऑर्डर चाहिए, 1 घंटे में 3 ऑर्डर लगाऊंगा तो जा करके अपना इंसेंटिव वगैरह पूरा होगा। अभी मैं हूँ घुमार मंडी में, 7:20 पर ऑर्डर पिक किया था मैंने, 7:23 हो रहे हैं, ऑर्डर डिलीवर भी कर दिया। 20 मिनट उसने अपने को ऑर्डर देते लगाए, 3 मिनट हमने कस्टमर को देते लगाए, बस यही फ़र्क है भाई, यही फ़र्क है, 20 रुपये मिले इसके सिर्फ। हो पाल जी बेकरी से ऑर्डर आ गया, एक्सेप्ट कर लेते हैं, 30 रुपी टिप है इसमें, से थैंक्स कर देते हैं, मैप लगा करके चलते हैं। थोड़ा सा रोंग लेकर आना पड़ा क्योंकि इधर सारा रश लगा हुआ है यार, और यहाँ पे लगा देंगे बाइक चेरी पाल जी बेकरी। जाना काम पर है, सबसे पहला काम मेरा यही होता है भाई, चेक करना रीच पिकअप, सेल्फी दे करके चेक करके आप लोगों को बाद में बताता हूँ ऑर्डर पिक करने के बाद। ऑर्डर तो भाई पिक कर लिया, ये केक का ऑर्डर है, जो मैं कह रहा था ना तेज जाकर के डिलीवर करना पड़ेगा, बट इसको आराम से लेकर के जाना पड़ेगा, बिकॉज केक है और मैं नहीं चाहता किसी का बर्थडे वगैरह ख़राब हो, अच्छे से इंजॉय करें, केक उनके पास सही सलामत पहुंचाऊंगा। अगर वीडियो देख रहे हो तो हैप्पी बर्थडे मनप्रीत सिंह नाम तो वीरे, हेलो वीरे, थैंक यू। लगभग 5 किलोमीटर था, यहाँ से मार कर देते हैं डिलीवर, 30 रुपये टिप थी इसमें, 72 मिले हैं, मतलब 42 वैसे मिले हैं, 30 रुपये टिप के, सही है यार, नॉट बैड। अभी निकलते हैं फिलहाल जहाँ से वापस कोई ऑर्डर ढूंढने, अपने ऑर्डर कितने हुए हैं वैसे, 18 ऑर्डर हुए हैं मे बी, हाँ भाई 18 हो गए, 9 ऑर्डर और चाहिए यार अपने को, टाइम हो रहे हैं 9:45 8:15, 1.5 घंटा पड़ा है अपने पास, अपने को चाहिए 19 ऑर्डर हुए हैं यार, चाहिए क्या, चाहिए ही चाहिए, सब कुछ ही चाहिए अब तो, 8 ऑर्डर कहाँ हो जाएंगे 1.5 घंटे में, पॉसिबल ही नहीं है भाई। 20-20 वाले मिले तब भी पॉसिबल नहीं है, 25 भी नहीं होंगे भाई, 22 पर ही अटकेंगे आज हम, लगा लिया हिसाब किताब मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑर्डर हो जाएंगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस दे दिए तो 3 भी नहीं होंगे, यही हिसाब किताब बनता है। और अभी कैमरा वैमरा मैं बंद कर रहा हूँ, सीधा अपनी आज की टोटल अर्निंग के साथ मिलूंगा आप लोगों को, क्या पता 10 से 11 भी कर लूं मैं अगर लालच मन में जागा, 13 रुपये लॉन्ग डिस्टेंस भी आ गया, 93 मिले हैं इसके। तो यार अभी टाइम हो रहा है रात के 10, आप भी सोच रहे होंगे कि 10 बजे तक तो इसकी किक बुक थी, तो ये 10 बजे घर कैसे आ गया। एक्चुअली यार अपना जो इंसेंटिव था ना 27-28 ऑर्डर के ऊपर लग रखा था, तो अपने ऑर्डर ही 9:30 बजे तक 22 ऑर्डर हुए थे, और आज जो टर्म एंड कंडीशन में रात की टाइमिंग थी नॉर्मली क्या रहती है 7 से 12 बजे तक हमें 3 घंटे लॉगिन रखना जरूरी होता है, आज था 7 से रात 12 बजे के बीच में 2.5 घंटे लॉगिन रखना, तो जब मैंने देखा कि अपना इंसेंटिव पूरा नहीं होगा तो मैंने भाई 9:30 बजे अपनी आईडी बंद कर दी, 22 ऑर्डर डिलीवर करके 325 375 वाला इंसेंटिव था वो मैंने उठा लिया,
इधर कहीं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं अर्निंग का, देख लेना। अर्निंग तो सही सही हो गई यार, 11 घंटे के हिसाब से जितनी होनी चाहिए थी उतनी निकली नहीं। सिर्फ 11 घंटे में 22 ऑर्डर डिलीवर करके 1390 रुपए की अपनी अर्निंग हुई है। सोचा था 25 या 27 ऑर्डर वाला अपना इंसेंटिव पूरा करेंगे, 14-15, 15-16, 1700 तक अपना काम जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया यार। इन लोगों ने इंसेंटिव भी तभी चेंज किया है, पहले अर्निंग पर होता था भाई, मैं 11 बजे जाकर के भी अपनी अर्निंग निकाल लेता था और अपना इंसेंटिव उठा लेता था। इन लोगों ने देखा कि अर्निंग पर तो सब लोग इंसेंटिव पूरे कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा करो कि लोगों का इंसेंटिव पूरा ना हो। तो इन लोगों ने ऑर्डर्स पर इंसेंटिव लगा दिया। ऑर्डर्स पर लगाया तो लगाया, जब हमारा इंसेंटिव पूरा होने वाला होता है, 5-6-7 ऑर्डर बचते हैं, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस डालना शुरू कर देते हैं कि बंदे का टाइम खराब हो। तो ये सीन है, बस यही सीन है। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं डे 15 में, तब के लिए जय भोले।